आज 8 जनवरी 2021 को जो निफ्टी है 14,347 पे क्लोज हुआ, प्लस 210 पॉइंट, जो कि 1.48% अप है। और जो सेंसेक्स है वो 48,782 पे क्लोज हुआ, प्लस 689 पॉइंट एंड प्लस 1.43%। काफ़ी बुलिश था और जो लास्ट डे था वो न्यूट्रल था। FII का जो बाइंग है आज बहुत ही बड़ा है, जो कि मेन कंट्रीब्यूटर है निफ्टी और सेंसेक्स को उठाने के लिए। 6,029 करोड़ का बाइंग हुआ है। DIA का कैश में जो सेलिंग हुआ है 2,372 करोड़ का सेलिंग है। और जो बल्क डील्स हैं उसमें सबसे पहला जो है अहलडा इंजीनियर्स लिमिटेड है, जो कि प्लस 5% अपर सर्किट पर लॉक है। अजूनी बायोटेक लिमिटेड, इसमें भी बल्क डील हुआ है बट जो प्राइस है काफ़ी मूव हुआ है बट वॉल्यूम लो है। टैरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 16% अप पे क्लोज हुआ है। काफ़ी बल्क डील्स हुई हैं इसमें। फिर गुजरात सिद्धि सीमेंट, काफ़ी अप ट्रेंड रहा, बल्क डील्स जो हुई हैं तो 4 डील्स हुई हैं इसमें, तो और जो 13% अप क्लोज हुआ है। हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड प्लस 4% अपर सर्किट में क्लोज हुआ है और इसमें सिर्फ बाइंग हुआ है, तो काफ़ी पॉजिटिव है। हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका जो प्राइस है वो 9.96% अप पे क्लोज हुआ है और इसमें 4 डील्स हुई हैं। उसके अलावा इंडिया बुल हाउसिंग, ये जनरली इसमें बल्क डील्स होती रहती हैं बट आज भी हुआ और जो प्राइस है 2% अप क्लोज हुआ। पार्थ अनिल कुमार रावल ने इंडियन टेरेन फैशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.6 लाख शेयर्स खरीदे हैं और जो ये है 12% अप क्लोज हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आज बल्क डील हुआ है, उसके अलावा ये जो है अपर सर्किट में ही क्लोज हुआ है। लासा सुपर जेनरिक लिमिटेड, इसमें प्लस 6% में क्लोज हुआ है, एक बल्क डील हुआ। माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट लिमिटेड, इसमें 12% अप क्लोज हुआ, काफ़ी बुलिश, इसमें एक बल्क डील हुआ। RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, एज यू ऑल नो अवेयर अबाउट दैट कि रियल इस्टेट और इंफ्रा काफ़ी बूमिंग में चल रहा है अभी, ये प्लस 4% क्लोज हुआ और एक बड़ा बाइंग भी आया। और रेल विकास निगम में एक बल्क डील हुआ, उसके अलावा प्लस 16% पे क्लोजिंग है इसका आज का। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा बल्क डील्स हुई हैं वो सैनको इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हुई हैं, जो कि 20% अपर सर्किट में क्लोज भी हुआ है आज के दिन। देन सनवरिया कंज्यूमर लिमिटेड, इसमें एक बड़ा सेलिंग हुआ जो कि 1.22 रुपीज़ पे हुआ बट जो इसका क्लोजिंग है वो 1.3 रुपीज़ है, उसके बाद अब चला गया सेलिंग ख़त्म होने के बाद। देन सीव ओम स्टील लिमिटेड, एज यू ऑल अवेयर अबाउट दैट स्टील सेक्टर इज़ ग्रोइंग, तो इसमें एक बल्क डील हुआ और ये क्लोजिंग जो है 2% अप पे हुआ। देन साउदर्न पेट्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में प्लस 11% क्लोजिंग है, एक बल्क डील हुआ। बाइंग जो है ज़्यादा का हुआ बट सेलिंग थोड़ा 8 लाख शेयर्स का ही हुआ। उज्जास एनर्जी लिमिटेड पूरे दिन अपर सर्किट में रहा 4.05% और इसमें एक बिग बाइंग आया 3.85 अपर सर्किट में ही। मैं कल भी बल्क डील हुआ था उर्वी टी एंड वेज लैम्प, इसमें प्लस 1.6% क्लोज हुआ, एक बल्क डील हुआ। वैशाली फार्मा लिमिटेड लोअर सर्किट में क्लोज हुआ, इसमें एक बल्क डील हुआ। बाइंग 58.46 पर, सेलिंग 58.37। वैटोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, इसमें प्लस 4.6% क्लोज हुआ, एक बाइंग एंड सेलिंग हुआ, बाइंग ज़्यादा का सेलिंग कम का। विकास इकोटेक लिमिटेड, इसमें 3 या 4 बल्क डील हुई हैं और जो क्लोजिंग है वो -4.94% है ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पर। तो ये आज की बल्क डील्स थी और आज कोई भी ब्लॉक डील नहीं हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सैराउथ फाइनेंशियल इन्फो एंड बी अपडेटेड अबाउट फ्यूचर एनी अपकमिंग फाइनेंशियल इवेंट्स।